बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने हाथ पैरों पे से, गर्दन पे से, घुटनों पे से, कोहनी पे से गंदगी मैल को बाहर निकाल सकते हैं, वो भी इस नुस्खे की मदद से। आज मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर आप इस नुस्खे को ट्राई करेंगे तो आपके जहाँ पर भी कालापन है या फिर सालों से जमी हुई गंदगी मैल होगी वो झट से दूर हो जाएगी। तो बिना किसी देर के इस नुस्खे को बनाने स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, पास ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए लाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लीजिए और इसके अंदर फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो है शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वाटिका शैम्पू यूज कर रही हूँ। सबसे पहले आपको एक शैम्पू के पाउच को इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, शैम्पू हमारे हाथ पैरों पे से गंदगी को दूर करता है दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो फ्रेंड्स मैल को बाहर निकालने में शुरू से ही यूज किया जाता आ रहा है। हमें यहाँ पे छोटी आधी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है। ये देखिए, आप इतनी मात्रा में बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए। और लास्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे लेमन जूस। हमें यहाँ पे हाफ लेमन जूस ऐड करना है, यानी नींबू का रस। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। मैं आपको इसे कोहनी पर यूज करके दिखाऊंगी। आपको इसे चेहरे पे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ये सिर्फ हाथ पैरों पे से और घुटनों पे से गंदगी को दूर करने के लिए है। आपको इसे लेना है और जहां पर भी आपके कालापन है या फिर गंदगी या मैल है वहां पर आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना है। गर्दन पे, हाथ पैरों पर या फिर घुटनों पर, कोहनी पर, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से आप इसको अप्लाई कीजिए और जिस नींबू को हमने रस निकाला था आप उससे इसकी मसाज कर लीजिए 5 मिनट तक अच्छे से। और अच्छे से 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि वहां से जो जहां पर भी आपने इसको अप्लाई किया है वहां से बहुत ही ज्यादा गोरा हो चुका है, वहां से आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ भी हो गई है। तो आपको इस तरीके से इसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैं अपने हाथ को वॉश करके आ गई हूँ। ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मुझे इसका मिला है एक ही बार में। आपको भी इसका इसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा, आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट, ये बिल्कुल नेचुरल है, 100% आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा एक ही बार के इस्तेमाल से। आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस आपको जब भी इसको ट्राई करना है आप जब भी इसको बनाइए और तुरंत इसको अप्लाई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आके सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और पास ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका सबसे पहले फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।